हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, ये वीडियो नेट एग्जाम से रिलेटेड है। इस वीडियो में हम 2017 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसका पेपर फर्स्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिवृद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है, तो यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकारता से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है? ऐसा अनुसंधान जिसमें कि सिद्धांतों के साथ साथ व्यवहारिक पक्ष पर भी जोर दिया जाता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है वो शिक्षण से रिलेटेड कोई समस्या हो, करिकुलम से रिलेटेड कोई समस्या हो, या फिर जो स्टूडेंट होते हैं उनके बिहेवियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, तो इस तरह की समस्याओं के लिए क्रियात्मक अनुसंधान या एक्शन रिसर्च है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर है बी, योजना निर्माण, क्रियान्वयन, प्रेक्षण और विमर्श। क्रियात्मक अनुसंधान करने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले इसमें प्लानिंग की जाती है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है, उसके बाद ऑब्जर्व किया जाता है, और सबसे लास्ट में विचार विमर्श किया जाता है। ये सभी एक्शन रिसर्च में स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में अनुसंधान चरणों का कौन सा क्रम तार्किक है? इसका करेक्ट आंसर होगा सी, समस्या स्थापन, परिकल्पना निर्माण, शोध अभिकल्प का विकास, प्रदत्त एकत्रीकरण, प्रदत्त विश्लेषण, सामान्यीकरण तथा निष्कर्ष निरूपण। जो भी रिसर्च की जाती है, अनुसंधान किया जाता है, तो उसमें सबसे पहले कोई जो समस्या है उस समस्या जिस पर की रिसर्च करनी है वो सिलेक्ट की जाती है, उसके पश्चात परिकल्पना निर्माण किया जाता है यानी हाइपोथीसिस का निर्माण किया जाता है, उसके बाद शोध अभिकल्प का विकास किया जाता है, प्रदत्त एकत्रीकरण मतलब कि डाटा कलेक्शन किया जाता है, कोई भी जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड सैंपल लेकर डाटा कलेक्शन करते हैं, उसके बाद प्रदत्त विश्लेषण मतलब जो डाटा कलेक्ट किया है उसके आधार पर फिर डाटा का एनालिसिस किया जाता है, सामान्यीकरण इसके पश्चात क्या जनरलाइजेशन किया जाता है, और निष्कर्ष निरूपण यानी कि जो कंक्लूजन है वो निकाला जाता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दो सेट दिए हुए हैं, एक तरफ अनुसंधान विधि दी हुई है और दूसरी तरफ प्रदत्त संकलन उपकरण दिए हुए हैं यानी कि डाटा कलेक्शन करने के लिए टूल्स दिए हुए हैं, तो ये बताना है कि कौन से अनुसंधान विधि में कौन से टूल्स का उपयोग किया जाता है। सबसे पहले प्रयोगात्मक विधि, तो ये रिलेटेड है थर्ड से, मानकीकृत परीक्षाएँ, इसमें क्या है डाटा कलेक्शन के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है उनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कार्योत्तर विधि, ये रिलेटेड है विशेष अभिलक्षण परीक्षाएं, ये फोर्थ से रिलेटेड है। विवरणात्मक सर्वेक्षण विधि, इसका है पर्सनावली, इसमें जो क्वेश्चन ईयर है उससे डाटा कलेक्शन किया जाता है। और जो इसमें डी है ऐतिहासिक विधि, इसमें प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया जाता है। प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या होते हैं? प्राइमरी डाटा क्या होता है कि जब जो रिसर्चर है वो खुद जाकर डाटा कलेक्शन करता है तो वो जो डाटा कलेक्ट करता है वो प्राइमरी डाटा होता है, और जो सेकेंडरी डाटा होता है वो पहले से ही कलेक्ट किया हुआ होता है और रिसर्चर उसको अपनी रिसर्च में यूज कर लिया जाता है। जब इस तरह का डाटा होता है तो वो क्या होता है? सेकेंडरी डाटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण में संगत माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर है डी, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। कोई भी रिसर्च करने के बाद जब निष्कर्ष लिखा जाता है तो जो अनुसंधानकर्ता होता है उसके जो व्यक्तिगत विचार हैं उसका प्रभाव निष्कर्ष पर नहीं पड़ना चाहिए, जो रिसर्चर होता है उसको पूरी ईमानदारी से निष्कर्ष प्रस्तुत करने चाहिए, किसी भी तरह का जो पक्षपात है वो नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नांकित में किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? इसका करेक्ट आंसर है ए, डॉक्टरेट स्तरीय शोध पत्र में। नेक्स्ट, 7 से और 12 तक जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से रिलेटेड है,
और ये काफ़ी इजी होते हैं। आई होप ये आप सभी इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको एक बार खुद पढ़ लीजिए, पैराग्राफ को स्क्रीनशॉट लेके, और फिर पढ़ लीजिए। अगर मैं पढ़ूंगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप खुद पढ़ के और इन क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद आराम से इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण में पहले से यह माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, बोध। जो प्रभावी संप्रेषण है उसके लिए ये समझ होनी चाहिए कि जो संप्रेषण है उसके सिद्धांत क्या है, प्रभावी संप्रेषण है वो कैसे किया जा सकता है, क्या इसके टूल्स हैं या उपकरण हैं। इसलिए प्रभावी संप्रेषण से पहले बोध का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मौखिक तथा अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी हैं तो यह कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं। तब तो अधिकांश लोग विश्वास करते हैं अमौखिक संदेशों में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अमौखिक संदेश क्या होते हैं, जो कि फिजिकल एक्सप्रेशंस के द्वारा शो होते हैं, जैसे शारीरिक हाव भाव, स्पर्श, शारीरिक भाषा, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों के द्वारा। तो इन सब के द्वारा जो संदेश भेजे जाते हैं वो क्या होते हैं, अमौखिक संदेश। इसलिए जब मौखिक और अमौखिक संदेश परस्पर विरोधी होते हैं, कि कहना तो कुछ चाह रहे हैं लेकिन फिजिकल एक्सप्रेशन से है वो कुछ और ही शो कर रहे हैं, तो जो लोग होते हैं वो अमौखिक संदेश में ज़्यादा विश्वास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके किस प्रकृति के होने में होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, तथ्यात्मक। किसी सूचना समृद्ध कक्षा व्याख्यान की सामान्य विशेषता इसके तथ्यात्मक प्रकृति के होने में होती है। नेक्स्ट है, भावबोधक संप्रेषण किसके द्वारा प्रेरित होता है, प्रेषित होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, कूट लेखक या एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं के द्वारा। भावबोधक संप्रेषण होता क्या है, भावबोधक संप्रेषण से तात्पर्य ऐसे संप्रेषण से होता है जिसमें व्यक्ति द्वारा संचार सहभागी को किसी सूचनाओं को भाव, भाषा या लेख के द्वारा पहुंचाया जाता है। इस प्रकार के भावबोधक संप्रेषण कूट लेखक या एनकोडर के व्यक्तित्व की विशेषताओं से प्रेरित होते हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है एनकोडर और डिकोडर क्या होता है, तो एनकोडर क्या होता है, जो कि सूचना को भेज रहा है वो एनकोडर होता है, और जो सूचना को प्राप्त कर रहा है वो डिकोडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक कक्षा संप्रेषण का परिणाम निम्नांकित में से क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डी, अनुनय। सकारात्मक कक्षा संप्रेषण से कक्षा का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बनता है, इससे जो टीचर है और जो स्टूडेंट है उनके बीच की जो रिलेशनशिप है वो मजबूत होती है, और इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अनुनय या प्रोत्साहन प्राप्त होता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संप्रेषण किसका आधार है, तो कक्षा संप्रेषण है वो सामाजिक पहचान का आधार है। ये सभी कम्युनिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रीजनिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज दी हुई है, 1, 4, 27, 16। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी होगी ये पूछा हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 36, 343 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखते हो तो जो 1 है ये क्या है, 1 का क्यूब करेंगे 1, जो नेक्स्ट दिया हुआ है वो क्या है, स्क्वेयर दिया हुआ है वो 2 का स्क्वेयर है, उसके बाद 27 ये क्या है, 3 का क्यूब है, फिर 4 का स्क्वेयर है। तो इससे आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि एक बार क्या हो रहा है, नंबर का क्यूब हो रहा है और एक बार क्या हो रहा है, स्क्वेयर हो रहा है। तो यहाँ पे 4 का स्क्वेयर है, तो स्क्वेयर के बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्यूब होगा किसी ना किसी नंबर का, तो नेक्स्ट क्या होगा, 5 का क्यूब होगा, जो कि कितना होगा, 125। तो इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे क्या आएगा, 125, और जो 19 का सही आंसर है वो क्या हो गया, सी। ऐसे जो नेक्स्ट नंबर है इसमें भी एक सीरीज दी हुई है, YEBWFDUHGSKI, तो पूछा हुआ है जो नेक्स्ट टर्म है वो कौन सी होगी। सबसे पहले इसमें जो एस है, एस के बाद टी को स्किप कर दिया तो आ गया यू, यू के बाद वी को स्किप करके आ गया डब्ल्यू,
डब्ल्यू के बाद एक्स को स्किप कर दिया और आ गया वाई। और इसी तरीके से जो बाकी के दो हैं उनको भी सोल्व किया गया है, देख सकते हैं ये करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का कूट सी है, एम का आई है, एन का पी है, एस का ओ है, आई का ए है, पी का एन है, ई का एम है, ओ का ई है और सी का एस है, तो कंपनीज का कूट क्या होगा? तो आप इसमें देख सकते हैं जो सी है, सी के लिए क्या यूज किया है, एस, ओ के लिए ई, एम के लिए आई। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर वो बनेगा, वो क्या बनेगा, एस ई आई एन सी एंड सो ऑन। इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सतत प्रकार के डाटा की पहचान करें। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, एक कक्षा में छात्रों का वजन। तो ये कैसा डाटा होगा, कॉन्टिन्यूअस डाटा होगा, सतत प्रकार का डाटा होगा। नेक्स्ट मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, अली ने एक दुकानदार से 21 रुपए में एक गिलास, एक पेंसिल बॉक्स और एक कप खरीदा। राकेश ने दुकानदार से 28 रुपए में कप, दो पेंसिल बॉक्स और एक गिलास खरीदा। प्रीति ने दुकानदार से 35 रुपए में दो गिलास, एक कप और दो पेंसिल बॉक्स खरीदे, तो 10 कपों का मूल्य क्या होगा, ये निकालना है। तो इसमें मान के चलते हैं कि एक गिलास का मूल्य एक्स रुपये है, एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य वाई रुपये है और एक कप का मूल्य है वो जेड रुपये है। अब अली ने क्या है, 21 रुपये में एक गिलास, एक पेंसिल बॉक्स और एक कप खरीदा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये टोटल कितने रुपए के हैं, 21 रुपए के, तो इक्वल टू 21। ऐसे ही राकेश द्वारा खरीदे गए सामान का मूल्य कितना है, 28 है, और उसने खरीदा क्या है, एक कप, दो पेंसिल बॉक्स और एक गिलास। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, एक्स प्लस टू वाई प्लस जेड इक्वल टू 28। और प्रीति द्वारा खरीदे गए सामान का कुल मूल्य कितना है, 35 रुपये। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, प्रीति ने क्या खरीदा है, 35 रुपये में एक गिलास, एक कप, दो पेंसिल बॉक्स खरीदे। तो यहाँ से 2x + z + 2y इक्वल टू 35। यहाँ से हमारे पास तीन इक्वेशन मिल गई और इन तीनों को सोल्व करके एक्स वाई जेड की जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। इसमें फर्स्ट इक्वेशन लेके चल रहे हैं, x + y + z = 21। तो यहाँ से x + z = y को दूसरी तरफ ले गए तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का वाई हो जाएगा। इसके बाद x + 2y + z = 28। इस इक्वेशन में x + z की वैल्यू कितने हैं, 21 + y, ये पुट कर दी तो यहाँ से आ जाएगा 21 - y + 2y = 28। यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, 28 - 21 y = 7। नेक्स्ट x + z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + z की वैल्यू थी 21 - y, तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 7, तो यहाँ से x + z की वैल्यू आ गई 14। नेक्स्ट 2x + z + 2y = 35। यहाँ से जो 2x था इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, x + x + z + 2y = 35 इस तरीके से। और x + z की वैल्यू 14 दी हुई है तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दी, x + z की वैल्यू 14 पुट कर दी, साथ में 2y की वैल्यू 7 थी वो पुट कर दी, इक्वल टू 35। यहाँ से x + 28 = 35 और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 7। x + z की वैल्यू कितनी थी, टोटल 14 थी, और यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट कर, यहाँ से z की वैल्यू हो गई 7। अब एक कप का मूल्य है वो 7 रुपये है, तो 10 कप का मूल्य कितना हो जाएगा, 10 को 7 से गुना कर देंगे तो कितने हो जाएगा, 70 रुपये। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए चार शहरों में से तीन किसी न किसी रूप में एक समान है जबकि चौथा शहर अलग है, इसकी पहचान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, लखनऊ, क्योंकि जो लखनऊ है वो गोमती नदी के किनारे बसा है और बाकी शहर है वो गंगा नदी के किनारे बसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तर्क की कुछ विशेषताएं दी गई है, निम्नांकित में से उस कूट का चयन करें जो निम्नात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता है। निष्कर्ष प्रेक्षण तथा प्रयोग पर आधारित होना चाहिए, निष्कर्ष आधार वाक्य वाक्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए, निष्कर्ष अनिवार्यतः आधार वाक्यों से निकलना चाहिए,
तर्क वैध अथवा अवैध हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। जो ये तर्क वाक्य दिए हुए हैं इनमें से जो ए है वो निम्नात्मक तर्क की विशेषता नहीं बताता है। ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं, बाकी जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप नेट एग्जाम से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।